हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एनजी कृष्णा ड्रेसेस में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी का पोंचू। जो बनाने के लिए मडिकल की वूल और मेरे 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। पोंचू बनाने के लिए हम पहले 20 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हमने 20 चेन बना ली है। अब हम लास्ट चेन में जाकर इसे ज्वाइंट कर लेंगे। चैन में जोड़ने के बाद हम 3 चेन लेंगे और इसी चेन में हम एक और डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 चेन, फिर इसी में से 2 और डबल क्रोशिया ले लेंगे। जो हमने 3 की चेन ली थी वो भी डबल क्रोशिया काउंट होगी। इस तरह से ये 4 हो जाएंगे। हमने पोंचू के 4 हिस्से करने हैं, तो उसके लिए हम 9 चेनों में 9 डबल क्रोशिया कर लेंगे और सेंटर में जाकर हम आपको बताते हैं क्या क्या करना है। इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करें। सेंटर में हम आ गए हैं। अब इसमें से डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर एक और डबल क्रोशिया और फिर इसी में से एक और डबल क्रोशिया, हमारे 4 बन जाएंगे जैसे उस साइड में किया था। और फिर से हमारी 9 चेनों में 9 डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। सेकंड राउंड में हम 3 की चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर हम दो चेन लेंगे। चेन लेने के बाद इसी में से डबल क्रोशिया कर लेंगे और एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस चेन में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और दूसरी साइड जाने के लिए हमने एक चेन स्किप करनी है और दूसरी चेन में हमने 2 बार क्रोशिया करना है। एक चेन स्किप, 2 बार डबल क्रोशिया, दूसरी में एक चेन स्किप, दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। अब सेंटर में हम आ गए हैं और इस सेंटर में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में कर लेंगे। ये हमारे पास 4 हो जाएंगे। फिर से हम एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा पोंचू इस तरह से शेप देखो कुछ। एक चेन स्किप, दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड राउंड में हम सेंटर में हैं। अब 3 चेन बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया इसी चेन में, फिर से हम 2 चेन, दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया, 1 चेन स्किप, दूसरी में डबल क्रोशिया 2 बार। ये पोंचू की शेप कुछ इस तरह से आएगी। इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तीसरे राउंड में हम 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया उसी चेन में से, और फिर जाली हमें दिख रही है, सब जाली में से हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब ज्वाइंट करने के लिए हम तीसरी चेन में जाकर इसे ज्वाइंट कर देंगे। फोर्थ राउंड में हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर उसी में से 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे ही करेंगे। फिर हम बताते हैं, एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया में ये जोड़ देंगे। एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया में ज्वाइंट कर देंगे। चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया में ज्वाइंट कर देंगे। ये राउंड, ये साइड इसी तरह बनेगी। अब हम फिर से सेंटर पर आ गए हैं। सेंटर में एक डबल क्रोशिया, 2 एक फिर से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बनेंगे। है पोंचू बहुत ही आसान है बनाना, ये हर साइज़ में हम बना सकते हैं। अब ये सेंटर के बाद अब हमने क्या करना है, फिर से एक चेन स्किप कर देंगे, एक चेन स्किप कर देंगे फिर से,
और दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करके तीन चेन लेकर फिर सिंगल क्रोशिया में ज्वाइंट कर देंगे। फिर से एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये राउंड इसी तरह से बनेगा सारा। और अगर आपको किसी भी साइज़ में ये पोंचू तैयार करना है तो सभी साइज़ में बन जाएगा, बस आपको कान्हा जी का नाप लेना है। ये मैंने 0 नंबर से लेकर 2 नंबर तक बनाया है। हमारा पोंचू बनकर रेडी है। अगर आपको ये पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।